बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक तो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी का ये ट्वीट ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बिहार की सियासी हवाओं में बड़े उलटफेर की आहट साफ महसूस की जा रही है। जी हाँ, दरअसल तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात ने अटकलों को एक बार फिर तूल दे दी है। लेकिन लगभग 42 मिनट तक चली इस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार की अचानक राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से नीतीश के एनडीए में वापस जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जेडीयू और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की संभावना पर टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अब भी खुले हैं, तो इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। वही कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस चिराग पासवान ही एकमात्र रुकावट नजर आ रहे हैं। वही काफी वक्त से नीतीश कुमार के तेवर भी विपक्षी गठबंधन के प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से नीतीश को इंडी अलायंस के संयोजक पद का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन तब सीएम ने उसे ठुकरा दिया था। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था। जिन नेताओं के मंत्रालय बदले गए थे उनमें एक तो लालू तेजस्वी के काफी करीबी नेता थे। वही इस घटना के ठीक एक दिन पहले लालू और तेजस्वी ने उनसे मुलाकात की थी। यही नहीं, हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की बात सामने कही थी। हालांकि जेडीयू ने कांग्रेस की बात को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है और सीएम के शामिल होने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात और जीतन राम मांझी के एक्सपोस्ट ने सियासत को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीख आते आते बिहार में सियासी समीकरणों में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बिहार पॉलिटिक्स और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।